खबर जोधपुर से, जहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के नए विभाग अध्यक्ष पद पर हिंदी के प्रोफेसर श्रवण कुमार मीणा ने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले प्रोफेसर कौशलनाथ उपाध्याय के सेवानिवृत्त हो जाने से यह पद रिक्त था। प्रोफेसर मीणा की नियुक्ति आगामी 3 वर्ष के लिए की गई है। प्रोफेसर एस के मीणा इससे पहले हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय से हिंदी के प्रोफेसर है। प्रोफेसर मीणा के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष बने पर विश्वविद्यालय के शिक्षक गणों व छात्र छात्राओं ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रोफेसर मीणा ने कहा कि मेरा उद्देश्य पत्रकारिता व जनसंचार विभाग को बुलंदियों की ओर ले जाने का है। इस मौके पर पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उपाध्याय प्रोफेसर हरिदास व्यास, हिंदी विभाग अध्यक्ष कैलाश कौशल व डॉक्टर सत्यनारायण गोपाल शर्मा व छात्र नेता सुधीर बिश्नोई, खालिद भाटी, अरविंद राजपुरोहित सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर आप आज मुझे पत्रकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली। सर्वप्रथम तो मैं कुलपति महोदय का आभार जताना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेदारी सौंपी है। उसके पश्चात इस विभाग को और उन्नति, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। विभाग में मैं चाहूँगा कि नियमित कक्षाएँ हों, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित हो और यहाँ से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर के जाते हैं, उपाधि प्राप्त करके जाते हैं, उनको प्लेसमेंट अच्छा मिले, उनको आगे अच्छी नौकरियाँ मिले, इसके लिए हम लोग यह कोशिश करेंगे। ये सब तब संभव है जब हमारे शिक्षक साथियों का और हमारे विद्यार्थियों का परस्पर सहयोग बना रहेगा, तब हम ये सब कर पाएंगे।